उत्तराखंड में प्रथम बार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वह एक निजी कार्यक्रम में भीमताल में पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 तारीख को हल्द्वानी आएंगे, उसके बाद वह भीमताल में स्थित पायलट बाबा आश्रम में बाबा के दर्शन करेंगे। वह एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड आ रहे हैं, उसके बाद वह 12 तारीख को संभव तय नहीं है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे या नहीं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जब से आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी, उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पहला ये दौरा है किसी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, इसमें उनका जो प्रोग्राम हो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले, साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा खुद समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि उनके प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था इसलिए उसकी जानकारी। कोई राजनीतिक प्रोग्राम भी है यहाँ पर उनका? अभी कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, तो ये जो पर्सनल प्रोग्राम हुआ, पर्सनल प्रोग्राम में आपने मीट बुलाई है, लोगों को बताया है? देखिए, प्रेस के माध्यम से कोई भी जानकारी को हम जो चाहते हैं कि जनता के बीच में जाए, वो निश्चित तौर पे मीडिया उसमें एक सतर्क माध्यम है और हम उस मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई व्यक्ति जो है, जो डिप्टी सीएम साहब है, वो उत्तराखंड में प्रथम बार आ रहे हैं।